हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेसन ब्लॉग्स कारोबार। तो यहाँ पे ये खड़ी है NS 200, और यहाँ पे आप नीचे की तरफ आप देख सकते हो चेन कितनी गंदी हो रखी है, और इसका आगे वाला स्प्रॉकेट भी बहुत गंदा हो रखा है, और वो अभी हम ठीक से क्लीनिंग और लूबिंग करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे मूवमेंट कर रहा हूँ चेन, और यहाँ पे आप चेन की कलर आप देख सकते हो मिट्टी और ऑयल सब मिक्स होके कुछ और बना है यहाँ पे चेन, और आगे की तरफ देख सकते हो वो भी गंदा हो रखा है। यहाँ पे आप आगे की तरफ देख सकते हो वो भी क्लीन करना है, उसका कवर निकाल के क्लीन करेंगे इजीली। यहाँ पर मैं क्लीनिंग और ल्यूबिंग करने के लिए कुछ 3 प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाला हूँ, और वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है WD-40 स्प्रे, और ये रस्ट रिमूवल स्प्रे है, क्लीनिंग भी कर सकते हो। और यहाँ पर ये डीजल और ये स्प्रेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये कुछ एक्स्ट्रा डीजल यहाँ पर है। और ये चेन क्लीनिंग करने के लिए ब्रश, ये आप ऑनलाइन इजीली मंगा सकते हो। और यहाँ पर ये टूथब्रश मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, ये आगे की तरफ छोटा छोटा गैप्स रहता है प्रॉकेट की तरफ, वो क्लीन करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ब्रश। फर्स्ट हम यहाँ पे फ्रंट वाला कवर निकाल लेते हैं। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ 8mm की टी स्पैनर, विद द हेल्प ऑफ टी स्पैनर आप इजीली खोल सकते हो। मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो आगे की तरफ इस स्प्रॉकेट की हालत आप देख सकते हो। सो पहले यहाँ पे डीजल थोड़ा सा स्प्रे कर लेते हैं यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ ब्रश शुड क्लीन इट अंटिल द फर्स्ट लेयर गेट्स ऑफ। प्लीज़ ऐसा मत करो कि आप वीडियो देखते हो, पूरी वीडियो देखने के बाद आप स्किप करते हो वीडियो, डोंट डू लाइक दैट। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता हूँ। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो यू कैन कमेंट डाउन, और मैं इंस्टाग्राम लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ हर एक वीडियो पे, सो आप भी डायरेक्ट DM कर सकते हो बाइक के बारे में, और नहीं तो बाइक की सर्विसिंग हो गई, नहीं तो मॉडिफिकेशन हो गई, सभी तरह के वीडियो मैं चैनल पर डाल देता हूँ। इन दी नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा था एग्जॉस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँ, उसकी माइलेज वगैरह, सो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो पे मैं डाल देता हूँ। और एक मॉडिफिकेशन बचा है बार एंड मिरर, और आगे की तरफ KTM की मडगार्ड लगाने वाला हूँ, और वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और क्या कुछ मॉडिफिकेशन बचा है इसी बाइक में आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं करने के लिए ट्राई करूँगा। और एक मॉडिफिकेशन की वीडियो आने वाली है डोमिनोर बाइक की, और उसमें हम एग्जॉस्ट फिट करने वाले हैं, वो कौन सा एग्जॉस्ट है वो वीडियो में पता चलेगा। आप एवरी 500 किलोमीटर्स में चेन ल्यूबिंग करना है, अगर आपको टाइम नहीं मिला तो आप 1000 किलोमीटर्स तक चेन क्लीनिंग और चेन ल्यूबिंग कर सकते हो एक ही साथ। मैं और एक थिंग बताना चाहता हूँ, आप लोग जस्ट चेन इतना ही क्लीन करते हो, आपको स्प्रॉकेट भी क्लीन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्प्रॉकेट क्लीन नहीं रखा तो उसका टीथ बहुत जल्दी जाम हो जाएगा। जब भी आप चेन क्लीनिंग करते हो उसका एक्सिस ऑयल टायर पर गिर जाती है, और ज़रूरी है कि बाइक वॉशिंग करना है एक बार। अगर आप डायरेक्टली रोड पर लेके जाते हो तो आपका टायर की ट्रैक्शन आप लूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है छोटा वाला स्प्रॉकेट आगे, और ये भी डीजल स्प्रे करके मैं क्लीन कर रहा हूँ। ये भी क्लीन करना ज़रूरी है कभी कभी, क्योंकि यहाँ पर टॉर्क जनरेट होता है, वो बीज देती है बड़ी स्प्रॉकेट में, और वो दोनों स्प्रॉकेट आपको क्लीन करना ज़रूरी है। और ये आगे वाला स्प्रॉकेट आप कभी कभी क्लीन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 500 किलोमीटर्स और 1000 किलोमीटर्स बाद क्लीन करना है, आप 2000 और 4000 के बाद भी क्लीन कर सकते हो। एक बार ज़रूर चेक कीजिए, बाइक मॉडिफिकेशन की प्लेलिस्ट है और उसमें सभी तरह की मॉडिफिकेशन में डाल रखा हूँ वीडियो। यहाँ पर मैं छोटा सा कपड़ा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि चेन को ड्राई रखने के लिए, और ल्यूब बहुत अच्छी तरह से हो जाए। आप पीछे वाला स्प्रॉकेट भी डीजल स्प्रे करके और ब्रश यूज़ करके बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हो। मैं और एक बार बोल देता हूँ, आप जब भी चेन क्लीनिंग करें मेक श्योर दैट टायर क्लीन रखें, और नहीं तो एक बार बाइक वॉश कीजिए, क्योंकि टायर का ट्रैक्शन आप लूज़ कर सकते हो हायर स्पीड पे। अगर आपके पास बजट है तो आप WD स्प्रे यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो आप डीजल भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और डिफरेंस उतना भी कुछ नहीं है, आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो। आप पीछे वाला स्प्रॉकेट भी कपड़ा यूज़ करके फुल्ली क्लीन करना है। वो चेन क्लीनिंग ब्रश मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, और मैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। आपके पास और भी बजट कम है, इंस्टेड ऑफ मोटिल चेन लूप आप गेयर ऑयल यूज़ कर सकते हो,
और इंजन ऑयल तो यूज़ नहीं करना है, आप जला हुआ ऑयल भी यूज़ नहीं कर सकते हो, आप गियर ऑयल यूज़ करें बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप डिटेल्स ग्रीनिंग कर सकते हो स्प्रॉकेट और चेन। अभी और थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो भी मैं फास्ट क्लीन कर लेता हूँ। ये भी हम डीजल स्प्रे करके क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन हो रखा है, और इसका कवर भी मैं अभी लगा देता हूँ। तो अब हमारी होगी फाइनल प्रोसेस। सो अभी हम चेन लूपिंग करते हैं। सो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सेफ्टी पहला ध्यान रखिएगा जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करके गियर में डालते हो, तो फिंगर्स की थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्लीज़ चेकआउट दी प्रीवियस वीडियो, तो जो मैंने एग्जॉस्ट डाली हुई है NS200 पे, वो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मॉड्यूल की चेन लूपिंग स्प्रे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इसी तरह से कीप सपोर्टिंग मी गाइस, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट बिलो डाउन। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन टेक केयर।